छोटी छोटी बातों में मायूस क्यों हो जाते हो? जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ बैठो। एक आर्मी कैप्टन था मेरा दोस्त, शेर दिल आदमी, हिम्मत का धनी। लड़ाई के मोर्चे पर ऐसे घूमता जैसे एक फुटबॉल का मैच हो। गोलियां दाएं बाएं निकल जाते, उसे एक नहीं लगते। पूरे 3 बरस मैदान में जंग में रहा, बदन पे एक दाग नहीं। और उसी आदमी को एंसुला के दिन लड़ाई बंद होने के ठीक 5 मिनट पहले गोली लगी। 1 मिनट के अंदर छुट्टी होगी। लेकिन इस उल्टा भी सच है। मुझे लो, जब मैंने तीसरी फिल्म लिखी तो हालात ऐसे थे कि चारों तरफ कर्जा, वाइफ प्रेग्नेंट, मुझे टाइफाइड, बरसात के दिन रहने के लिए घर नहीं है, एक दोस्त के टुकड़े पर पड़ा था, हर दिन आत्महत्या की सोचता। लेकिन भाई मेरे, जब मेरे फिल्म चली तो ऐसे चली जैसे चांद की बरसात। इसके पहले जो लिखा 100 फेल, इसके बाद जो लिखा 100 हिट, 11 फिल्मी कहानियां, ये 12वीं है। तारुफ खान की बात सुनी, आज का सुपरस्टार। अंकल के घर पर रहता था, एक दिन उन्होंने घर से निकल दिया, कहा कि बस बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ और जाकर अपने अब्बा का हाथ बताओ। फुटपाथ पर सोया, प्लेटफॉर्म पर सोया, दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत उठाई। और जब एक सीरियल मिली तो उसमें से यूं निकल के आया जैसे ग्रहण में से चांद। आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है, करोड़ों में खेलते हैं। उसके अंकल के जब पूछा गया कि आप उन्होंने घर से क्यों निकाला था, उन्होंने जवाब दिया, मुझे क्या कोई आलम आया था कि यो आला तारुफ खान है। इसे कहता है सितारा यू पलटता है। इसलिए कहता हूं, मेरा बात मान जाओ, तुमने भी हाथ कर मुसीबत में जली है, तुम्हारा भी वक्त आ गया, बस पलटने हो वाला तुम्हारा भी सितारा। चलो इतना मायूस ना मत हो, मेरी ड्राइव में चले, बियर शियर पिए, इसके बाद क्या करेगा, क्लबिंग में जाएगा।